दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको C3 और रेडमी 9A, 9C। ये जो दो तीन मॉडल है लगभग सेम है, आप ये दोनों मॉडल को भी देख सकते हो, लगभग सेम है। इसमें फिंगरप्रिंट है और इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन लगभग सेम है। और ये दोनों कंपनी भी सेम है, और ये दोनों मोबाइल जो बेचते हैं लगभग पूरा सेम होता है, खाली बाहर में थोड़ा बहुत इधर उधर के चेंजेस करके अलग अलग मॉडल करके बेचते हैं। पोको और रेडमी कंपनी सेम है, ये तो आपको पता है। तो ये दोनों मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, चलते चलते मोबाइल बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी पोको C3, रेडमी 9A, 9C ये दो तीन चार मॉडल है, तो इसमें अगर चलते चलते बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया है और इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आपका मोबाइल चलते चलते बंद हो चुका है, आपको ऑन करना है, तो आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप कहीं पे भी लेके जाना जरूरी नहीं है। पहले ये वीडियो देख लो, हो सके कि आपका मोबाइल घर में ही ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल है दोनों लगभग सेम है और दोनों एक ही कंपनी का है, पोको रेडमी एक ही कंपनी का है, और इसमें ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आ रहा है। मेरे पास ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आया है, इसको मैंने फिक्स भी करके दिया है और इस वीडियो में बताऊंगा भी कि आप उसको कैसे फिक्स करते हो और क्या प्रॉब्लम है, क्या आप इसको घर में ठीक कर सकते हो या नहीं। अगर रिपेयरिंग सब लेके जाते हो तो उसमें क्या बताएगा, क्या है, कितना पैसा खर्चा होगा, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम बता रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल चलते चलते बंद हो गया है, तो पहले वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन, तीनों बटन को देखिए, वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन के ऊपर, तीनों बटन के ऊपर ऐसे हाथ रखिए और एक साथ दबाइए कम से कम 10 से 15 सेकंड। जब आपका मोबाइल वाइब्रेशन हो, बिना वाइब्रेशन होने के बाद भी छोड़ देना, देखना मोबाइल रेडमी का लोगो आ जाएगा या तो पोको का लोगो आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये अगर हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक बार चार्जिंग लगा के भी सेम ट्रिक तीनों बटन दबा के ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मोबाइल डेड होता है और हम लोग चार्ज लगाते हैं तो चार्ज नहीं लेता है, लेकिन इस मोबाइल को आप अगर चार्ज लगाओगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, हम लोग अगर डीसी मशीन में लगाते हैं तो उसमें दिखा रहा है कि 0.6, कभी कभी 0.1 या तो 0.7 0.8 का चार्ज ले रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है या तो चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है। दोनों मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसका प्रॉब्लम आता है ईएमएमसी आईसी प्रॉब्लम होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बूट नहीं हो पा रहा है, मोबाइल बूट नहीं हो रहा है चार्जिंग से, मतलब पावर सेक्शन में तो सब ठीक है लेकिन मोबाइल बूट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है ईएमएमसी। देखिए, मैंने रिसेंटली ये मोबाइल को खोल के ईएमएमसी रिवॉल्व करके भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी ये मोबाइल ऑन है। पहले तो उसको हल्का सा गर्म करके भी देखो, थोड़ा सा पेस्ट लगा के थोड़ा सा गर्म करके देखो, हो सके कि आपका मोबाइल ऑन हो जाए। ईएमएमसी के ऊपर थोड़ा सा गर्म करके देखो, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ईएमएमसी को निकाल कर रिवॉल्व करके भी देखो, एक बार रिवॉल्व करके देखो, अगर नहीं हुआ तो प्रोग्रामिंग करके उसको भी देख सकते हो, कितना परसेंटेज है उसका, कितना परसेंटेज अच्छा है, उसको देख के ट्राई करके एक बार लगा सकते हो, प्रोग्रामिंग करके देख सकते हो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको आपका ईएमएमसी आईसी चेंज करना पड़ेगा। आपका इंटरनल जितना भी है, 32 GB हो, 64 GB हो या तो 128 GB हो, जितना भी हो उसके हिसाब से प्राइस वेरी करता है, तो उसके हिसाब से आपका जितना भी प्राइस है उसका प्राइस देके आप ईएमएमसी चेंज कर सकते हो। और लगभग सैमसंग ईएमएमसी होने से वो तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन दूसरा अगर कोई कंपनी का, सैनडिस्क का, ये जो होता है ये रिपेयरेबल नहीं होता है और अच्छा नहीं होता है, तो वो रिपेयरेबल नहीं होता है, आपको चेंज करना पड़ता है। तो लगभग बोलने का बात यह है कि ईएमएमसी प्रॉब्लम है, आप ईएमएमसी रिपेयर कर सकते हो। लगभग कितना पैसा खर्चा होगा? देखिए, अगर आपका ईएमएमसी रिपेयर हो जाता है तो 300-400-500 रुपये में हो जाएगा, अगर रिप्लेस होता है तो 1000-1200 रुपया खर्चा होगा, 1500 के अंदर ही हो जाएगा, प्रोग्रामिंग सब कुछ उसके अंदर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तीनों बटन में तो बिल्कुल फ्री में घर में हो जाएगा। आपका मोबाइल क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हो गया क्या तीनों बटन दबाने के बाद, हो गया क्या? अगर हो गया तो थैंक यू लिखो, या तो हो गया है भाई लिखो, या तो अगर नहीं हुआ तो कहाँ पे दिखाया, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या सोल्यूशन हुआ, कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।